PTINR ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि ब्लड की जो एबिलिटी है वो क्लॉट होने की वो कितना है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो PTINR टेस्ट होता है वो बेसिकली क्या जाता है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, लीवर प्रॉब्लम, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग स्टॉप होने की क्षमता आदि का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी होता है तो उससे पहले PTINR टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब टेस्ट जो है किया जाता है, ताकि पता लगाने के लिए कि उसके जो है सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो कितना क्षमता है उसके बॉडी को स्टॉप होने का, तो ये पता लगाने के लिए भी किया जाता है। और जो जो व्यक्ति खून पतला होने वाली दवाई लेते हैं तो उसका जो एफिशिएंसी है या उसकी जो कार्य क्षमता है उसको मॉनिटर करने के लिए ये किया जाता है PTINR टेस्ट। तो PTINR टेस्ट जैसे कि हाई BP या हार्ट की बीमारी आदि होता है तो उसको जो ऑपरेशन हुआ रहता है तो उसमें रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए भी PTINR टेस्ट जो है वो किया जाता है। PT का नॉर्मल वैल्यू 9 से 11 सेकेंड होता है और INR का नॉर्मल वैल्यू 0.8 से 1.2 होता है। लेकिन जो व्यक्ति खून पतला होने वाली दवाई ले रहे हैं, जैसे कि वारफरीन वगैरह लेते हैं खून पतला होने वाली दवाई, या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हाई BP होता है जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें जो है INR का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि 2 से 3 के बीच में होता है, तो ये नॉर्मल माना जाता है ये। लेकिन यदि PT का वैल्यू, यदि PT INR का वैल्यू यदि बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि उसको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसको माना जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लड जो है वो स्लोली क्लॉट हो रहा है। यदि उसको ऑपरेशन होता है तो उसका ब्लड जो है वो बहुत लेट से क्लॉट होगा, यानी कि उसको जो ब्लड की जो एबिलिटी है क्लॉट होने की जो है वो थोड़ी कम है। तो ये बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है कि या तो आप कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहा हो, खून पतला होने वाली दवाई ले रही है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो जाता है, या जो है इसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाता है या विटामिन के डिफिशियंसी, तो इन सब केसों में जो है वो PT का INR का वैल्यू जो बढ़ जाता है। यदि जो नॉर्मल रेंज से कम है तो उसका मतलब होगा कि जो ब्लड जो है बहुत जल्दी क्लॉट हो रहा है, यानी कि उसका जो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा जल्दी क्लॉट, ब्लड बॉडी के अंदर ज़्यादा क्लॉट है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी या हाई BP हो सकता है। PT का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 भी बोला जाता है, जो विटामिन के की मदद से लीवर द्वारा बनता है और ये बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो INR का मतलब होता है जो होता है वो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो बना जाता है, जो PT के वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। और इसे करंट PT में जो PT के वैल्यू आता है लेबोरेटरी में, उस PT के वैल्यू में जो है नॉर्मल जो वैल्यू रेंज होता है उससे डिवाइड किया जाता है, उससे ये मिलता है।